इस एक सीन हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि सीलाफा तो शॉकिंग रिटर्न करके यानी कि डेब्यूट करके सोलोस्कोवो पर अटैक कर रहे हैं और इसके साथ साथ रोमन रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं रोमन रेस को किसी यानी कि मेंबर की ज़रूरत है, किसी टीम मेंबर की ज़रूरत है, क्योंकि द न्यू ब्लड लाइन काफ़ी भारी पड़ रही है रोमन रेस। रोमन रेस अकेला इस चीज़ का सामना नहीं कर सकता, यानी कि इन तीनों का सामना नहीं कर सकता। दो का तो सामना कर सकता है, लेकिन तीनों का सामना करना मुश्किल है जब उनमें जैको फातो आ जाते हैं। यानी कि जैको फातो जब द न्यू ब्लड लाइन में आ जाते हैं तो फिर रोमन रेस का सामना यानी कि रोमन रेस उनका सामना करने में थोड़ा सा यानी कि मुश्किल होती है। तो इस वजह से अगर WWE प्लान करती है कि जो ज़ीला फातो हैं वो भी समोन फैमिली के मेम्बर हैं, तो यानी कि मेम्बर हैं समोन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो रिटर्न करके डेबिट करके रोमन रेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का मोमेंट हो जाएगा। और WWE फैंस यकीन ये मोमेंट देखना चाहते हैं कि ज़ीला फातो WWE में रिटर्न करके रोमन रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि ट्राइबल चीफ को ज्वाइन करें, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेस को। तो अगर ऐसा होता है तो सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा WWE को देखने में और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी यानी कि लगेगी द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन, क्योंकि द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर WWE कुछ उसमें ट्विस्ट ऐड करती है तो और भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा WWE को देखने में, क्योंकि ज़ीला फातो का एक ना एक दिन तो डेबिट लाजमी ही होना है। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। WWE ने सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रही है कि वो सही टाइम पर ज़ीला फातो का डेबिट करवाए WWE में, और ज़ीला फातो लास्ट में डेबिट करेंगे आने वाले समय में, इन फ्यूचर में हमें लास्ट में डेबिट करते हुए दिखाई देंगे WWE कंपनी में। समोन फैमिली के जितने भी यानी कि जो भी मेम्बर हैं जो दूसरी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, WWE उनको अपनी कंपनी में लेकर आएगी, क्योंकि WWE जानती है कि समोन फैमिली के जो भी समोन फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं उनसे उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ज़ीला फातो डेबिट करके रोमन रेस को ज्वाइन करेंगे या फिर सोलोस्कोवो को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जो भी बंदा डेबिट करता है तो वो यानी कि हील वाले करेक्टर को यानी कि हील वाले सुपरस्टार को ही ज्वाइन करता है, और इस वक्त हील वाले सुपरस्टार सोलोस्कोवो हैं, और जो रोमन रेस हैं वो अभी फ़िलहाल हमें बेबी फेस वाले करेक्टर में देखने को मिल रहे हैं, जब तक उनकी जो स्टोरीलाइन है वो सोलोस्कोवो से चलेगी। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि जो ज़ीला फातो में डेब्यूट करके सोलोस्कोवो को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन ने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि भी जो सोलोस्कोवो उसके पास काफ़ी मेंबर हैं, वो और भी अपनी ब्लड लाइन में मेंबर को ऐड करेगा, तो उसमें से शायद ज़ीला फातो भी हो सकते हैं। लेकिन गैस मज़ा जब आएगा जब ज़ीला फातो डेब्यूट करके रोमन रेस को ज्वाइन करेगा, क्योंकि रोमन रेस की टीम में भी तो कोई होना चाहिए ना जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का सुपरस्टार हो। जैसे सोलोस्कोवो की टीम में जैको फातो है तो रोमन रेस की टीम में भी एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा यानी कि डेंजरस हो, और ज़ीला फातो को देखकर तो यही लगता है कि वो भी शायद जैको फातो के मुकाबले में आ जाए, क्योंकि ज़ीला फातो को भी काफ़ी ज़्यादा लुकिंग डेंजरस वाली है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ज़ीला फातो रोमन रेस की टीम में जाना चाहिए या फिर सोलोस्कोवो की टीम में जाना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लास्ट में कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा ही रेसलिंग का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।